हाँ जी दोस्तों, अज तुहानूं जिस शख्स बारे दसण जा रहे हाँ वो हुण दुनिया का पंजवां सब तो वड्डा कारोबारी, सब तो अमीर इंसान है दुनिया का पंजवां, ते भारत का सब तो टॉप दे उपर अमीर इंसान है। पर उसकी जीवन की कहानी एक फिल्मी कहानी तो कोई घट नहीं गी। जवानी वेले एक सैकल के उपर कपड़े वेचण वाला बंदा दुनिया का सब तो पंजवां सब तो अमीर आदमी बन जाए, एक बहुत वड्डी गल है। मैं तुहाडे सामने गल कर रहा गौतम अडानी की, जिहदा अक्सर पंजाब दे विच वी चर्चा आप आम ही सुनते हैं। हाँ जी दोस्तों, गौतम अडानी आपदे बचपन के जवानी के दिनों के सैकल से कपड़ा वेचता रहा। ये पिता की कपड़े की एक छोटी जी गुजरात के अहमदाबाद का एक छोटा जा कस्बा, उस दुकान सी, छोटा जि कपड़े का थोक का व्यापारी सीगा। आओ तुहानू इसकी जीवनी बारे दसदे हां कि किदां एक सैकल से कपड़े वेचता वेचता दुनिया का सब तो पंजवां वड्डा अमीर आदमी बन गया। गौतम अडानी का जन्म 1962 के एक जैन परिवार के होया सी। इहदे पिता का नाम सी शांति लाल अडानी, ते जिस कस्बे दे विच इहदा जन्म होया सी वो अहमदाबाद दे विच थराड़ नां दा एक कस्बा। गौतम अडानी होनी सत्त भैण भरा सीगे, ते इह एक बचपन दे विच एक आम कोई इहदे कोई वक्खरा नहीं सी नवेकला, वी एक आम सधारण व्यक्ति वर्गे व्यक्तित्व दा ही बंदा सीगा। 15-16 साल की उम्र दे विच इह पिंड पिंड जाके शहर शहर जाके सैकल दे उत्ते कपड़े वेचिया करदा सी। ते जिथों तक जे इहदी पढ़ाई की गल करिए तां इसने अपना कॉलेज 12वीं क्लास तो बाद कॉलेज सी जिहड़ा उह पहले साल ही छड्ड दित्ता सीगा। आपां हुण गल करदे हां कि इह एक सैकल ते कपड़े वेचण वाला डग्गी वाला बंदा दुनिया का सब तो अमीर आदमी इह बणिया कितां। कॉलेज छड्डण तो बाद इह उत्थों अहमदाबाद तो मुंबई चले गया। मुंबई जाके इहने एक हीरिया के कारोबार के नाल जुड़ गया, कोई उत्थे हीरिया की दुकान सी मुंबई दे विच, जिहदे विच जाके काम करन लग पिया। मुंबई रहिंदा रहिंदा उस तो बाद जदों इह वापस अपने अहमदाबाद अपने घर आया, जद्दी घर दे विच आया, इत्थे आ के इहने अपने भरा दे नाल प्लास्टिक का कारोबार शुरू किया। उदों ही 24 साल की उम्र के विआह हो गया। प्लास्टिक वाले कारोबार के करता की सके, माल इंपोर्ट ते एक्सपोर्ट करते सके, बाहर होर देशों के होर राज्यों के प्लास्टिक का समान वेचते सी। हौली हौली प्लास्टिक तो बाद हर तरह का समान बाहर भेजन लगा। इस करके इनू लगता सके जे जी बंदरगाह तो मैं समान आपका बाहर भेज रहा उससे मैं बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा, मैं मेरे कारोबार के घाटा पैदा। उदों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री बनया। उहदे नाल इन्हां ने मेलजोल करके, गौतम अडानी ने मेलजोल करके जिहड़ी हुण मुंद्रा बंदरगाह वा मुंद्रा जिथे ट्रकां वाले वीर जांदे आ, वह 400 रुपये प्रति किले के हिसाब नाल इत्थे उहने 5000 किला जमीन लई ते उत्थे मुंद्रा बंदरगाह बणाई। असल इहदी जिंदगी दा मील पत्थर, इहदे कारोबार दा मील पत्थर इह मुंद्रा बंदरगाह ही अगे जा के बणी। इस तो अगे अपना यह कारोबार वधाउंदा होया कोले का कारोबार, बिल्डिंग का, ऊर्जा के सैक्टर में हवाई जहाज वाले अड्डे जिहड़े उन्हां दा चलाउण दा कारोबार यह देखदा सीगा। बंदरगाह होर भी इन्हें 2-3 बनाईया ट्रांसपोर्ट का। कुल मिला के इहदा 70 देशों के 120 टिकाणे सी जां इहदे कारोबार सी जमीना सी जिथे आपदा बैठ के कारोबार हुण कर रहा। जे अज इस दी जमीन की गल करिए तां इह तकरीबन 15,665 एकड़ का मालक इकला इह आदमी आ। पर यह हैरानी की गल इदा कि जिमें नरेंद्र मोदी पहला मुख्यमंत्री उस तो बाद प्रधानमंत्री बनया, इस तरह गौतम अडानी ने भी नरेंद्र मोदी के नाल नाल तरक्की की। 2013 के मुंद्रा बंदरगाह तकरीबन कांग्रेस सरकार ने 200 करोड़ रुपए का जुर्माना किया कि वातावरण के प्रदूषण करती है। पर 2014 के भाजपा की सरकार बनी तो यह 200 करोड़ का कर्जा से जोड़ा वो माफ़ कर दिता गया सरकार वालों। हूँ इसकी कुल कमाई, कुल इसकी जायदाद वो असी तुहानू स्क्रीन के उत्ते दस देवे। पर इस दे नाल नाल जिहड़े इस दे आलोचक आ वह अडानी दी कारोबार नूं एक करजे का पहाड़ दसदे आ। अज दे समें दे विच इस दे जे करजे की गल करिए 1.88 लाख करोड़ करजा है। पर इस दे नाल ही एक गल ये भी है कि यह अपना कारोबार सिर्फ एक वन मैन आर्मी वाली गल है, सिर्फ ये आपका कारोबार कल्ला चलाउंदा है, कोई होर इन्हें कोई असिस्टेंट जां दूजे होर कर्मचारी तां रखे होणगे पर अपने आप नूं सलाह देण वास्ते उहदे वास्ते सिर्फ कल्ला इको आदमी ही अपना कारोबार चलाउंदा। अडानी की ज़्यादा तरक्की, सब तो वध तरक्की 2019 तो 2022 दे विच हुई। इस दे विच तकरीबन इहदी कमाई 10 गुणा वध गई, जिथे जे 40,000 करोड़ दे पहला हैगा सीगा इहदा कारोबार वह हुण 70,000 करोड़ तक पहुँच गया। भारत में बंदरगाह तो इलावा इहदे विच अडानी का आस्ट्रेलिया दे विच बंदरगाह, इजराइल, कोलंबो होर अनेक देशों दे विच इहदियां अपनियां खुद दियां बंदरगाह। तो आस्ट्रेलिया दे विच इहदा सब तो वध कोले ते चलण वाला बिजली का प्लाट जिहड़ा इन्हें बनाया, जिहड़ा तकरीबन घट्टो घट भी उन्होंने 30 साल उत्थे बने नूं हो गए। हुण देखदे हां कि भाजपा की सरकार अजे लगातार अपनी टर्म पूरी कर रही है, लगातार सत्ता दे विच है,
ਪਰ ਅੰਬਾਨੀ ਆਪਣਾ ਅਡਾਨੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਕੇ ਇੱਕ ਡੱਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੰਬਾਨੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਟਾਟਾ ਜਾਂ ਬਿਰਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ